गुड मॉर्निंग सभी को। बज रहे हैं सुबह के 7। तारीख है 29 मई 2022 और हम चल दिए हैं अपने आखिरी सफ़र पे। आखिरी मतलब ज़िंदगी का नहीं, ज़िंदगी का सफ़र तो बहुत लंबा है मेरे दोस्त। हम जा रहे हैं आज फाइनली जबलपुर के लिए। कल पूरा दिन हमने बनारस में घूमा, एक्सप्लोर किया, बनारस की गलियों में चाट खाई, लस्सी पी और पान खाया और न जाने क्या क्या किया अपने दोस्त के साथ। और भाई साहब जो मज़ा आया ना यार, ये जर्नी ये सफ़र यादगार है, यादगार। और एक बार फिर से हमारा स्वागत किया है बरसात ने। मुझे अच्छे से याद है जब मैं लद्दाख से लौट रहा था तब भी ना लास्ट दिन नोएडा में ना ऐसी बारिश थी, ऐसी बारिश थी, ओ हो भाई साहब घुटनों घुटनों तक पानी था। नोएडा में एंट्री करते वक्त भी और नोएडा छोड़ते वक्त भी, जब मैं रुका था लास्ट व्लॉग में। तो यहाँ पर भी आज हमारा बारिश ने स्वागत किया है। बारिश हमारे मतलब आसमान भी रो रहा है, कह रहा है कि मत जाओ हमें छोड़ के, लेकिन वापस आएंगे हम दोबारा फिर मुड़ के। सो इसी के साथ ये सफ़र हमने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। पेट्रोल फुल करवा दिया अभी तो फ़िलहाल। और आगे जो है गूगल वूगल कुछ बोल तो रही है कि मुड़ जाओ, क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। आगरा हमें जाना है, इलाहाबाद नहीं जाना है, मिर्ज़ापुर की तरफ जाना है। तो आई थिंक आगे कहीं से हमें टर्न लेना पड़ेगा। अभी मैंने मोबाइल गूगल जो है वो मैंने सेट कर दिया है, बट स्टिल हमें थोड़े से साइन बोर्ड की तरफ ध्यान देना है। और यहाँ पे आगे क्या लिखा है, वाराणसी एयरपोर्ट और हरुआ प्रयागराज सीधे के लिए आना है। और मुझे लगता है कि यहाँ से ना मुझे शायद मुड़ना होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बार रुक के गूगल को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बातों बातों में कहीं हमारी मंजिल छूट जाए। लो जी पहुँच गए हैं, 10:20 हो रहा है। रीवा में आपका स्वागत है। यहाँ से जबलपुर है 227 किलोमीटर्स। तो मुझे लगता है कि अगर मैं 2-2.5 घंटे में पहुँच जाना चाहिए मुझे शायद जबलपुर। कटनी 140 है, 140 से आधा घंटा लगता है। वो एक पैच है जो थोड़ा सा ख़राब सा है। ओके तो हम आ गए हैं रीवा। लेफ़्ट हैंड पे जाएंगे तो रीवा पहुंच जाएंगे, शहडोल पहुंच जाएंगे, सीधे जाएंगे जबलपुर पहुंच जाएंगे। दुनिया देखती है ये कौन प्राणी है, हम तो बस अपनी मस्ती में मस्त हैं। और हमको अभी बस पानी का एक छोटा सा ब्रेक लेना है। फ्यूल तो भी है काफ़ी, मेरे ख्याल से 8 लीटर के आसपास होगा, तो पहुंच जाऊंगा यहाँ तक मैं। और फ़िलहाल मेरा मन कर रहा है कि रुक के कहीं पानी और थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक डाल ली जाए अंदर, तो क्या है शुगर और पानी दोनों मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। भैया ट्रक वाले हट जाओ यार, जाने दो, क्या कर रहे हो यार दादा, ओ मोरी दादा। ये जो रोड है ये बस डबल लेन से सिंगल लेन आता है रीवा का। ये बनना भी बाकी है। तो लिखा तो है रेस्टोरेंट, क्या यहाँ पे कुछ मिलेगा? पार्टी हॉल लिखा हुआ भैया, रेस्टोरेंट तो लग नहीं रहा इसमें कुछ भी। आगे चलते हैं। गला सूख गया मेरा तो भाई, गला सूख गया। चलो मिलता हूँ मैं आपसे आगे रोड पे, पहले पानी वानी पी लूँ उसके बाद। ओ भैया, ये भैया लोग कहीं से भी आ जाते हैं, कहीं पे भी घुस जाते हैं भाई, बच के रहने का बहुत ज़्यादा। रीवा से कुछ बाद में शंकर ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, प्याज के पकौड़े ऑर्डर किए हैं और साथ में रखी पानी की बोतल। ये अपना फर्स्ट और लास्ट ब्रेक होगा इस सफ़र का जबलपुर जाने के लिए, क्योंकि इसके बाद मैं शायद वन शूट में मार दूंगा यहाँ से जबलपुर एंड देट विल बी इनफ। यहाँ से शायद 220 या 210 किलोमीटर है, तो मेरे ख्याल से अगर 3 घंटे भी लगेंगे तो 3 घंटे में पहुँचाऊँगा, 2 घंटे लगेंगे तो 2 घंटे में पहुँचाऊँगा, पर लेकिन आराम से आऊँगा और आज पहुँच जाऊँगा जबलपुर। तो मैं खाता हूँ प्याज के पकौड़े और फिर चलते हैं रोड पर। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। कटनी आ गए हैं मेरे दोस्त, और कहाँ आ गए हैं। यहाँ से अगर अपन इधर जाएंगे तो शायद शहडोल पड़ेगा, इधर जाएंगे तो कटनी पड़ेगा, और इधर जाएंगे तो जबलपुर पड़ेगा। हम ले रहे हैं बाईपास, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बाईपास पर ट्रैवल करना, और जाएंगे। और इसी के साथ ये जो सफ़र है अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ, और बहुत ही अच्छा सफ़र था। मेरी यादों में बस गया है, मेरे दिल में बस गया ये सफ़र। 21 को निकला था मैं, 21 मई 2022 को जबलपुर से निकला था, अयोध्या पहुंचा 21 को ही। अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन किए, फिर वहाँ से मैं बड़ा अयोध्या से अगले दिन 22 तारीख की सुबह सुबह सोनौली बॉर्डर क्रॉस करते हुए मैं पहुँचा पोखरा। पोखरा में रुका मैं हॉस्टल में 22 तारीख को, बड़ा ही सुहाना सफ़र था वो भी। पोखरा से अगले दिन मैं निकल गया मुक्तिनाथ के लिए, पोखरा से मुक्तिनाथ, और मुक्तिनाथ से वापस आया तातोपानी रात में। काफ़ी बारिश थी उस समय, और तारीख थी 23 मई 2022। 23 को मैं चला हूँ तातोपानी से पोखरा के लिए, और पोखरा में आके मैं रुका 23 को। अपने दोस्तों से मिला, दीदर लैंड वाले मिला, और डैफने से, उन दोनों से मिलने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। रात के बाद सो गया, सुबह उठा 24 तारीख को पहुँच गया काठमांडू। 24 और 25 को काठमांडू में रहा, काठमांडू एक्सप्लोर किया। उसके बाद 26 को मैं निकला हूँ काठमांडू से बनारस के लिए, सिवान, छपरा, बलिया, गाज़ीपुर होते हुए पहुंचा बनारस। 26, 27, 28 मैं रुका हूं बनारस में, और आज यानी 29 तारीख को निकल गया बनारस से जबलपुर के लिए। समय हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे हैं, और कटनी को क्रॉस कर रहा हूं। इस तरफ मेरा पूरा कटनी है, और ये मेरा बाईपास बन रहा है जो अभी बस। अब ये सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा, जबलपुर भी आ जाएगा, और हम अलविदा ले लेंगे अगली राइड तक के लिए। अगली राइड जल्दी ही होगी, छोटी होगी, इतनी बड़ी तो नहीं होगी, ये छोटी ज़रूर होगी। इसी के साथ मैं यहाँ पर दी एंड करता हूँ, अलविदा कहता हूँ अगली राइड तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।